फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट। द इफ एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसको हम लोग मल्टीपाथ डिसीजन भी बोलते हैं, मल्टीपार्ट डिसीजन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वन अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव। आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन एग्जीक्यूट करेगा, बाकी साइलेंट होंगे। इधर सिंटेक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। इफ एलिफ स्टेटमेंट ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ का है। सबसे पहले लिखेंगे इफ टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक कंडीशन लिख सकते हैं, या बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये टेस्ट एक्सप्रेशन एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है, इसका रिजल्ट आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है ना। अब ये कोलन दे देंगे यहां पर, यहां पर कोलन जब देंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए इंडेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि पाइथन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट का कंसेप्ट नहीं है। ब्लॉक कैसे बनेगा था ऑटोमेटिक दिखेगा आपका, यहाँ पे एक इंडेंटेशन बन जाएगा, यहाँ पे कर्सर यहाँ ब्लिंक करने लगेगा। यहाँ पे ये जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे ये हो जाएगा बॉडी ऑफ इफ, है ना, बॉडी ऑफ इफ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा, लिखेंगे इफ एलिफ टेस्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट जो टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो अपने पहले बॉडी ऑफ एलिफ। अगर ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो गया, ट्रू होगा तो एक्सक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो नेक्स्ट एलिफ में जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से चलता जाएगा बॉडी ऑफ। मैंने डेफिनेशन दे दिया है, इट अलाउ अस टू चेक फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशन। देखिए टेस्ट एक्सप्रेशन टू वन टू थ्री से मल्टीपल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, चलता जाएगा। इट अलाउ अस टू चेक फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशन इफ द कंडीशन फॉर इफ, ये फर्स्ट होगा, इफ द कंडीशन फॉर इफ इज फॉल्स देन क्या होगा, इट चेक द कंडीशन फॉर द नेक्स्ट एल्स इफ ब्लॉक, सारा करता जाएगा। और अगर कोई भी कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं करे, कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन आपका सेटिस्फाई नहीं करे, तो लास्ट में एल्स में जाएगा। ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है, आप नहीं भी दे सकते हो। इसका जो बॉडी होगा वो बॉडी ऑफ एल्स होगा, इसमें जो स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका सिंटैक्स हो गया, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन कोलोन, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहां पे जो स्टेटमेंट है बॉडी ऑफ इफ का एक्सक्यूट करेगा और सीधे बाहर आ जाएगा। देखिए लिखे इट चेक द कंडीशन इन द नेक्स्ट ऑफ द एल्स इफ ब्लॉक एंड सो ऑन, इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स द बॉडी ऑफ एल्स इज एक्सिक्यूटेड। सारे कंडीशन अगर फॉल्स होंगे तभी एक्सक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। और दूसरी बात याद रखिएगा, एन नंबर ऑफ टेस्ट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें एक ही टेस्ट एक्सप्रेशन आपका एट ए टाइम एक्सक्यूट करेगा, इसलिए बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ वन अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शंस, ठीक है ना। आपका ये सिंटैक्स हो गया। इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा मैं बना देता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इफ ले लेते हैं, इफ का अगर ये ट्रू हुआ बॉडी हो तो एक्सक्यूट करेगा, बॉडी हो इफ एक्सक्यूट करेगा और नीचे पड़ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि एक डिसीजन बॉक्स के दो ही डिसीजन होंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एंट्री कर रहे हैं यहां से, कंडीशन इज फॉल्स
फिर अनदर डिसीजन को चेक करेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन एलिफ, एलिफ की जो भी होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ एलिफ हो जाएगा, शूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये एन नंबर आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि सब देना संभव नहीं है नंबर ऑफ ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन में अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये बॉडी ऑफ एस पे जाएगा। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट, ये सिंटेक्स हो गया, ये फ्लो चार्ट हो गया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, टेस्ट एक्सप्रेशन है फर्स्ट वाला, तो कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्लेन करेगा, बाहर चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा, उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ एल्स करके फिर बाहर आ जाएगा, अदरवाइज डॉट डॉट दिया, मतलब नंबर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और लास्ट में अगर कोई भी एल्स इफ सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब ये बॉडी ऑफ एल्स पे जाएगा और एक्सप्लेन करने के बाद बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है द एलिफ स्टेटमेंट का। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कैसे इसको सॉल्व करना है। सिंपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। राइट पाइथन कोड टू एक्सेप्ट या इनपुट जो भी लेना चाहे, इनपुट एन या एक्सेप्ट एन इंटीजर वैल्यू एंड चेक वेदर the given number, the given value is positive or negative or zero. तीन ऑप्शन मैंने दिया, तो सिंपल स्टार्ट करेंगे हम लोग। नम ले लेते हैं, नाम इज इक्वल टू एंड इनपुट स्टेटमेंट होगा, यहां लिखेंगे इंटर द, पहले आप ऑलरेडी कोई भी मैसेज ले सकते हैं, इंटर वैल्यू हो गया। अब चेक करेंगे इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू है, यहां इंडिटेशन देखिए, यहां लिखेंगे प्रिंट num is positive या ये अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एलिफ में जाएगा, एलिफ num उसका कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दैट मीन लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, लिखेगा प्रिंट इज हो गया। अगर ये दोनों ही कंडीशन पॉज हुआ तो बाय डिफॉल्ट एल्स पे चला जाएगा, यहां जाएगा, यहां लिखेगा प्रिंट, जब कोई कंडीशन चेक नहीं होगा प्रिंट नाउ इज जीरो। सिंपल एग्जांपल है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे
another exercise on the basis of the if-elif statement.